ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का 6वां दिन है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग का क्या ट्रेनिंग हुआ है? बीटीसी हुआ है क्या? सेफ्टी के बारे में। तो 6 कितने दिन का ट्रेनिंग था बीटीसी का? 11 दिन का ट्रेनिंग था। 11 दिन में आप लोग को बहुत कुछ सिखाए होंगे। तो इसमें टिपर ऑपरेटर कौन कौन है? आप है और आप है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, टिपर जो आप लोग चलाते हैं कौन सा कंपनी का टिपर है? वॉल्वो का है। तो वॉल्वो टिपर में क्या क्या सेफ्टी के चीजें हैं कि आपको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ कुछ सेफ्टी के आइटम्स लगे हुए हैं, उसमें एक एक करके आप बताइए। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं। आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। पहले सेफ्टी बेल्ट, सीट बेल्ट दिया, सीट बेल्ट है बढ़िया, और मतलब ब्रेक दिए हुए हैं, ब्रेक दिए हुए। कितने टाइप के ब्रेक है? तीन टाइप के। क्या क्या है? हैंड ब्रेक है, सर्विस ब्रेक है, और एक इमरजेंसी ब्रेक है। एक इमरजेंसी ब्रेक मतलब वो रिटार्डर जो बोलते हैं इंजन का जो आरपीएम को डाउन करने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ और सर मिरर लगे हुए हैं। मिरर लगे हुए? हाँ ठीक है। रिवर्स ऑर्नर। मिरर किधर किधर लगे हुए हैं? राइट साइड, लेफ्ट साइड और फ्रंट में। फ्रंट में ठीक है। फ्रंट में काई को दिया हुआ है सर? जो आगे वाले मतलब अपने को कुछ भी कोई काम वाम कर रहा है, रेडिएटर का या कुछ काम कर रहा है तो उसका ध्यान देने के लिए, या कोई सामने बैठा बैठा है तो उसके लिए। रिवर्स ऑर्नर, पीछे वाला बैक कैमरा दिया हुआ है। हाँ अंदर से तीन दिया। बैक कैमरा सब में दिया है क्या? नहीं, नए मॉडल में आ रहा है। नए मॉडल में कई में लगा भी रहे हैं। अच्छा ठीक है। अपने ऊपर खींचे रहते हैं। और सर एक छज्जा दिया हुआ है कैबिन के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी वो काहे के लिए दिया रहता है? मतलब सर ऊपर से पत्थर नहीं गिरे कैबिन के, पत्थर कैबिन के ऊपर ना गिरे। बढ़िया। और मतलब फायर सिलेंडर दिया हुआ है। फायर सिलेंडर दिया है। और फायर सिलेंडर कैसा इस्तेमाल करते हैं मालूम है क्या? सब जैसे आग लगी है तभी करेंगे। तो उसमें क्या देखना रहता है सबसे पहले फायर सिलेंडर निकालने के बाद? मतलब उसमें देखना रहता है कि काम करेगा कि नहीं, मतलब कैसे? मतलब उसमें हाँ। गैस है पूरा कि नहीं, उसमें कैसे कैसे ग्रीन पता चले? ग्रीन में रहना चाहिए, हरे में। बढ़िया, एकदम सुंदर, हरे में रहना चाहिए। उसके दोनों तरफ लाल है, लाल है, और तो दोनों तरफ लाल में रहने से कोई अपना काम कर नहीं। एक तरफ लाल में रहता है तो क्या काम का है? वो खाली है, खाली है। एक दूसरे तरफ लाल में है तो एक्सपायरी हो गया, तो हरे में रहना चाहिए अपने। ठीक है। और सामने पीछे टकराने का कुछ दिया है क्या? हाँ, बम्पर दिया हुआ है। बम्पर दिया है तो वो भी एक सेफ्टी फीचर है कि नहीं सर? और सर ये डाला मतलब जब उठाते हैं उसके अंदर फीचर है, जब डाउन नहीं करते तो गाड़ी चलती है ना। हाँ, तो उसका अलार्म बजता है। अलार्म बजता है, ठीक, बढ़िया। और उसके बाद पीटीओ काटेंगे फिर ही गाड़ी आगे बढ़ेगी ज्यादा। हाँ। और पार्किंग के बारे में कुछ बताया क्या? पार्किंग के बारे में क्या क्या करना है? गाड़ी को पार्किंग करके आपको नीचे उतरने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? पार्किंग के टाइम सर हैंड ब्रेक लगाना है, गाड़ी आइडल खड़ी करके। हाँ। उसके बाद मतलब समतल जगह पे खड़ी करना है गाड़ी अपने को। हाँ ठीक है। उसके बाद अपना जो एक चाबी है उसको निकाल के जेब में रख के वो क्या काम है? तो ये पार्किंग का जगह में क्या ट्रैफिक के बीच में खड़े कर देंगे? नहीं सर। हाँ सर, साइड में एकदम। फिर वो क्यों नहीं बोले? वो बोलना चाहिए ना जी सर कि भाई पार्किंग नहीं सर, भी करना है पार्किंग ऐसे ना, लाइन में से सीधा मतलब एक जगह यहाँ ट्रैफिक से दूर रहना चाहिए पहली बार, ट्रैफिक से दूर। ठीक है। अगर जो ट्रैफिक लेफ्ट साइड में चल रही है तो राइट साइड में उसका स्टेयरिंग काटेंगे। क्यों राइट साइड में स्टेयरिंग काटेंगे? कहीं अगर जो लीकेज कहीं रहा तो गाड़ी अगर जो ढलकी तो ट्रैफिक के अंदर में आना नहीं चाहिए। अगर ढलकने से भी हो दूसरे साइड में अपना कट के जाके ये रखे, वो बर्म है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जिधर से आपकी चल रही है उसके दूसरे साइड में स्टेयरिंग को आपको काटना है। ठीक है, बढ़िया। और डोजर ऑपरेटर भी है ना इसमें? डोजर ऑपरेटर क्या क्या है आपके सेफ्टी क्या ध्यान देना है? अच्छा, कितने दूर में टिपर बिट्टी कितने दूर में गिराना है आपको? 15 मीटर आगे। 15 मीटर और एक टिपर से दूसरा टिपर 30 मीटर। 30 मीटर। और जब रोड पे चलेंगे 20 की स्पीड? 30 मीटर। 30 मीटर रोड पे चलेंगे 30 मीटर। और डंपिंग देखिए, अच्छे सुनिए टिपर वाले, रोड पे जब चल रहे तो 30 मीटर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है जब डंपिंग कर रहे हैं तो जो एज है उससे 5 से 7 मीटर
ठीक है, 15 मीटर बहुत दूर हो जाता है, तो 5 से 7 मीटर। क्यों 5 से 7 मीटर? आपकी जो गाड़ी की जो लंबाई है कितनी रहती है, आपकी गाड़ी की लंबाई कम से कम 4.5 मीटर के आसपास में है, तो अगर जो आपका गाड़ी आखिरी तक लेके गया और उसी समय अगर जो कुछ क्रैक होकर स्लाइड हुआ तो आपकी पूरी गाड़ी नीचे चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि 5 से 7 मीटर, क्योंकि आप 5 से 7 मीटर अगर जो दूर से कर रहे हैं, अगर जो 4 मीटर भी घसका तभी भी आपकी मशीन सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि 5 से 7 मीटर, और जो एक दूसरे के आजू बाजू जो है वो कम से कम 10 मीटर 15 मीटर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए 10 से 15 मीटर? ज्यादा उठाते हैं तो एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, एरिया ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या खतरा है, उससे जब गाड़ी पलटेगी तो दूसरे टिप्पर के ऊपर, दूसरे टिप्पर के ऊपर में आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का एक्सीडेंट हुआ था सिंगरौली में। एक टिप्पर वाला डाला उठाया उठा रहा था, वो पूरा डाला उठने के टाइम पे उसका गाड़ी पलटी हुआ, उसी के बाजू में जो है एक टिप्पर और एक टिप्पर खाली करने के लिए खड़ा हुआ था, अपना लगा रहा था, उसका जो डाला वो टिप्पर के कैबिन के ऊपर में गिरा, जिसके वजह से वो टिप्पर जिसके कैबिन के ऊपर में गिरा उसका फ्रैक्चर हुआ। हर एक चीज जो SOP में आपको दिया गया है, हर एक चीज कोई ना कोई मतलब से है। जैसा आपने बोला कि भाई चाबी निकाल के नीचे उतरना है, ये क्यों नीचे उतरना है भाई, क्या काहे के लिए उतरना है नीचे? क्योंकि अभी पिछले साल अपना जो अपनी WCL में बाजू का जो पेंगंगा माइन से उसमें मशीन में एक सुपरवाइजर एक ऑपरेटर सुपरवाइजर चला रहा था, चाबी छोड़ के चला गया था ऑपरेटर, तो सुपरवाइजर चला रहा था जिसके वजह से वो ऑपरेटर का देहांत हो गया, तो वो चाबी नहीं निकाला था। अगर जो चाबी वो निकाला रहता तो वो ऑपरेटर आज भी जिंदा रहता। इसलिए बोलते हैं कि भाई चाबी निकाल के आपको करना है। देखिए और एक चीज है, जो भी सुपरवाइजर है, हम लोग अधिकारी लोग हैं, हम लोग आते हैं अपना काम करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आपके साथ में रहते हैं, दूसरे काम देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काम करना है आप ही लोग को, अपने को एक दूसरे का इतना ध्यान रखना है। अगर जो कोई आदमी ये गलती कर रहा है तो आपके नजर में आ गया ये गलती करते हुए, हम लोग वहां पे नहीं है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है इनको थोड़ा सा समझाना, नहीं इनको बताना कि भाई ये खतरा है, भाई तुम संभल के रहो, तो अपने को एक दूसरे का, क्योंकि हम लोग का कंपनी का क्या उद्देश्य है, जीरो हार्म, मतलब किसी को खरोज भी नहीं आना चाहिए, किसी को काम करते समय ड्यूटी आवर्स के टाइम पे खरोज भी नहीं आना चाहिए, तो खरोज नहीं है, खरोज भी नहीं आने के लिए ये हर दम तो सुपरवाइजर और अधिकारी तो वहां पे रहते नहीं है, तो अपने को एक दूसरे का ध्यान रखना है, क्योंकि चोट इनको लगेंगी तो आपके कंपनी पे असर पड़ेगा, प्रोडक्शन में सब में असर पड़ता है, हम लोग की कंपनी पे असर पड़ेगा, इसीलिए एक दूसरे का ध्यान रखना है, और सब लोग सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। हम लोग आते 5 मिनट देखे आप लोग क्या काम कर रहे हैं, उस समय अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो हम लोग उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन हरदम तो सुपरवाइजर हर जगह पे नहीं रहता है ना, आप गाड़ी चला रहे हो 7-8 घंटे चला रहे, 7-8 घंटे तो सुपरवाइजर आपके साथ में नहीं रहता है, हर टिप्पर के साथ में आप ही को सेफ्टी से चलाना है, ठीक है। अगर कोई गलती कर रहा है, गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा है, तो या तो उसको समझाओ या तो सुपरवाइजर खबर करो, ये नंबर का टिप्पर वाला गलत तरीके से ओवरटेकिंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, टर्निंग में ब्रेक नहीं मार रहा है, टर्निंग में थोड़ा अनसेफ चला रहा है, ये आप सुपरवाइजर को खबर करो कि भाई ये नंबर का टिप्पर ऑपरेटर गलती कर रहा है, ये मशीन वाला ऐसा लोडिंग करते समय गलती कर रहा है, आप जाके खबर करो, ठीक है। तो सेफली काम करिए, चोट घाव किसी को लगना अच्छी बात नहीं, क्योंकि चोट घाव जिसको भी लगेगा लास्ट में घुमा फिरा के किसको भुगतना है, वो जिसको चोट घाव लगा है उसी को भुगतना है, और उसके परिवार को ही परेशान होंगे, बाकी कोई परेशान नहीं होते, बीवी बच्चे माँ बहन जो भी हैं उन लोग, तो खुद का सेफ्टी रखो, सेफली काम करो, कोई अगर से गलती करता है तो उसको समझाओ। टिफिन के टाइम पे हम लोग जो आप लोग को बताते हैं सेफ्टी के बारे में, जो लोग नहीं है वहाँ पे दूसरे शिफ्ट वालों को भी थोड़ा बताओ कि भाई आज वो सेफ्टी वाला साहब आया था, आज उन्होंने ये पॉइंट बताया मेरे को, ये चीज़ है, हरदम मैं जितना ही बोलूंगा आपको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन दो चीज ये बताएंगे तो ये सारे खदान में जो है ना अपना जो वातावरण है काम करने का जो है ये बेहतर होगा। तो अपन हर चीज बेहतर होना चाहते हैं ना, जैसा हम लोग रह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी और अच्छा कपड़े पहने, हमारे भाई बहन भी अच्छे कपड़े पहने, बोल के हम लोग चाहते हैं ना, हर चीज आदमी जो है ना
अपने से बेहतर होना चाहिए बोल के सोचते हैं। तो इसीलिए काम के जगह में भी अपने को अच्छे से अच्छा काम हो, जो कल काम हुआ उससे बेहतर आज काम होना चाहिए। तो सेफली काम करिए, कोई गलत काम मत करिए जिसके वजह से चोट डाल लगे। ठीक है सर। सर YouTube के बारे में बताएं। YouTube हाँ, अपना यहाँ एक YouTube चैनल हम लोगों ने चालू किया है पिछले एक साल से। तो ये YouTube चैनल जो है हम लोग का माइंड मैनेजर NMOC करने से हमारे अभी जो आप लोग से बात किया हूँ ये जो है कल तक उसमें अपलोड हो जाएंगे। तो उसमें जो है ना उसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है अभी इसके बाद में अपन बात करते हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ उतना ये करके आप सिर्फ उसको क्लिक करिए तो आप जो है जो नए वीडियो जितने भी आएंगे हम लोग जो फील्ड में बात करते हैं, आपके कैंप में आके बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ओके।